ये मोहन है जो घर से निकला तो था अपने जिगरी यार के साथ, लेकिन मिला उसका जमीन में दफनाया हुआ शव और उसकी हत्या का आरोप भी उसी के यार पर लगा है जिसके साथ वो घर से निकला था। ये मामला है फतेहाबाद के गांव दयड़ का, जहां 23 जून को लापता मोहन लाल उर्फ मोनू का शव गांव के बाहर बने एक निजी स्कूल के पास गड्ढे में दबा हुआ मिला। परिजनों ने युवक के दोस्त संदीप और उसके रिश्तेदार राजेश और उनके परिवार वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामला तो ये जी, संदीप जाखड़ है जो गोल्डन वैली स्कूल से चालक है, वो राजेश जाखड़ है, उनकी सारी साजिश है ये, राजेश जाखड़ और उनके परिवार की। वो तो पुलिस प्रशासन जो जांच करेगी वो आएगा सामने, लेकिन संदीप ने कल हमें पता चला, लेकिन पहले हमें गुमराह किया गया था, चार दिन पहले हमारे यहाँ सोने के लिए आया था, वो बता रहे हैं, लेकिन चला गया। जब हमने जांच पड़ताल की बैंक डिटेल से, तो संदीप पे थोड़ा पूछताछ की तो वो भाग गया। मृतक के परिजनों की माने तो 23 जून की शाम को मोहन घर से अपने दोस्त संदीप के पास उसके रिश्तेदार के स्कूल में सोने का कहकर निकला था। इसके बाद वो घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसके दोस्त से पूछा तो उसने बताया कि वो तो रात को ही यहाँ से चला गया। इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, लेकिन परिजनों को उस समय हैरानी हुई जब उसके बैंक खाते से 2 लाख से ज्यादा रुपए उसके दोस्त के खाते में ट्रांसफर हुए मिले, जिस पर उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने संदीप से पूछताछ की, लेकिन संदीप जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद से वो भी गांव से गायब हो गया। यारी दोस्ती में मतलब यारी में गद्दारी की गई है, ये तो पता वो जो सीए को बताएंगे तभी पता चलेगा कि क्या कारण था उसका। हमें तो मतलब इसके बारे में कुछ पता नहीं इस चीज़ का, वो तो बाद में पता चलेगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या आपको क्या लगता है? हमें तो जी ये तो साफ साफ लग रहा है कि मर्डर तो है ही, स्कूल के अंदर मर्डर किया गया और स्कूल के अंदर दफनाया गया। शक तो जी हमने तो नाम दिया है 3-4 का, अन्य भी है और 2 परिवार है, एक जो राजेश ढाका का परिवार है चार वाला का वो है, और एक सरजीत जाखड़ का परिवार है वो है, उनकी मिली भगत है, सबकी साजिश है। कम से कम 15 की हत्या हुई है, वो काम क्या करता है? वो जी पढ़ाई करता है। तो पैसे का लेन देन का क्या चक्कर था इनका? पैसे का तो हमें बैंक डिटेल से निकलवाई तब पता चला कि उसने संदीप जाखड़ के पैसे में मतलब अकाउंट में डाले गए। परिजनों का कहना है कि मोहित की हत्या के पीछे पैसों का लेन देन भी कारण हो सकता है। बहरहाल पुलिस इस मामले में कार्रवाई में जुटी है। अब देखना होगा कि मोहन का हत्यारों को कब तक पुलिस पकड़ कर तलाखों के पीछे पहुंचाती है। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।